नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनकेजे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए दादी नानी की बताई हुई कुछ जरूरी बातें। नंबर एक, यदि आप मांस सिर्फ प्रोटीन के लिए खाते हैं तो मूंग आपके लिए बेहतर सुझाव हो सकता है, क्योंकि मूंग में मांस से ज़्यादा प्रोटीन होता है। नंबर दो, यदि आप इमली का पानी रोजाना पीते हैं तो यह आपके खून को प्यूरिफाई करता है और आपकी बॉडी को स्लिम करता है और चेहरे पर निखार लाता है। नंबर तीन, खाने के बाद बदहजमी या खट्टी डकार आने की समस्या है तो खाने के साथ प्याज पर नींबू निचोड़कर खाने से बदहजमी नहीं होती है। नंबर चार, रात को सोने से पहले पैरों की मालिश करने से बीमारी जल्दी नहीं आती है और नींद भी अच्छी आती है। नंबर पाँच, यदि चक्कर आने की समस्या है तो गुड़ खाया करें, इससे एनर्जी मिलती है। नंबर छः, अगर अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक डालकर पी लिया करें, पेट के दर्द में फौरन आराम मिल जाता है। नंबर सात, उबले हुए चावलों के पानी से 7 दिन मुंह धो लें तो चेहरे का सांवला रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा और झुर्रियाँ और झाइयाँ भी दूर हो जाएंगी। नंबर आठ, ज़्यादा मिर्ची इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है और जिन लोगों को बवासीर की दिक्कत हो वो मिर्ची बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नंबर नौ, रात को सोने से पहले 1 चम्मच खसखस को पानी में भिगो दें और सुबह उठकर खसखस को पीसकर दूध में मिक्स करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। नंबर दस, पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों में उल्टियां आना रुक जाती है। नंबर 11, जिन घरों में चींटियां ज़्यादा आती हैं तो चींटी आने वाली जगह पर थोड़ा सा कपड़े धोने का साबुन डाल दें, चींटियां भाग जाएंगी। नंबर 12, यदि महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हैं तो उन्हें सौंफ का सेवन करना चाहिए, गुड़ के साथ इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। नंबर 13, किडनी स्टोन यदि शुरुआती दौर में है तो नींबू पानी पीना बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि नींबू पानी में प्राकृतिक सिट्रिक होता है जो स्टोन को तोड़ देता है। नंबर 14, सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद कर दें, हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। नंबर 15, पालक में विटामिन ए, सी, आयरन और सॉलिड जैसे तत्व होते हैं जो बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं और हेयर फॉल को भी रोकते हैं। पालक का सेवन करने से स्किन पर ग्लो आता है, इसलिए पालक को अपनी डाइट में जरूर शामिल किया करें, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। नंबर 16, दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 17, आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। नंबर 18, शरीर में पानी की कमी होने से डार्क सर्कल्स होते हैं, इसलिए 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिया करें, ज़्यादा पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। नंबर 19, चेहरा धोने के दिन में 1 बार चावल के पानी का इस्तेमाल करें, इससे चेहरे का रंग तेजी से निखरता है। नंबर 20, सुबह जागने के तुरंत बाद 1 ग्लास गर्म पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है और आपकी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है और आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहती है। नंबर 21, रोटियों के डिब्बे में लौंग रख देने से रोटियां मुलायम बनी रहती है। नंबर 22, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदे का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 23, छाया में सुखाए हुए करेले का 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन सेवन करने से डायबिटीज में राहत मिलती है। नंबर 24, दिन में थोड़ी देर नंगे पैर चलना चाहिए और अगर आप हरी घास पर नंगे पांव चलते हैं तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 25, निहार मुंह रोजाना नींबू और अदरक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। नंबर 26, अगर कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो रोजाना दोपहर के समय थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ लें, इससे दर्द में आराम मिलता है। नंबर 27, यदि आपका शरीर दुबला पतला है तो नारियल का सेवन करें,
इससे शरीर मोटा और ताकतवर बनता है। नंबर 28, एक सर्वे में पाया गया है कि जो व्यक्ति बादाम का सेवन करते हैं उनकी आयु बादाम ना खाने वाले व्यक्ति से 20% ज़्यादा होती है। नंबर 29, तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी और कफ में आराम मिलता है। नंबर 30, पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें, ऐसा करने से नज़र कमजोर होती है। नंबर 31, अमरूद को भूनकर खाने से पुरानी खांसी भी खत्म हो जाती है। नंबर 32, खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े होते हैं क्योंकि यह इंसानी दिमाग पर असर करता है। नंबर 33, पानी में नमक डालकर फर्श को धोया करें तो कीड़े और मक्खियों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 34, कच्चा लहसुन रोजाना खाने से दिल मजबूत रहेगा। नंबर 35, पानी में गुलाब का अर्क मिलाकर पी लेने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। नंबर 36, मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खा लेने से शरीर को गर्मी नहीं लगेगी। नंबर 37, नींबू का सेवन लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक कप गुनगुने पानी में एक नींबू का रस और एक चम्मच मिश्री मिलाकर चाय की तरह सुबह पीने से लीवर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। नंबर 38, पेशाब में ज़्यादा पीलापन आने लगे तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। नंबर 39, गर्मियों में आंवले का शरबत पीने से प्यास कम लगती है और लू के रोगों से भी बचाव होता है। नंबर 40, तकिए के कवर को हफ्ते में 2 बार जरूर धोएं, इससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। नंबर 41, रोजाना सुबह उठते ही कंघी करने से आपके बाल मजबूत होते हैं, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। नंबर 42, यदि आप रात को सोने से पहले चेहरा धोने की आदत डालते हैं तो इससे झुर्रियां कील मुहासे नहीं होते हैं और चेहरे पर निखार आता है। नंबर 43, मूंग की दाल को उत्तम आहार माना गया है जो कि पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करती है और पेट में ठंडक पैदा करती है, जिससे पाचन और पेट में गर्मी बढ़ने की समस्या नहीं होती है। नंबर 44, जो महिलाएं अपना पीठ सीधा करके बैठती हैं, उन्हें कभी कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की समस्या नहीं होगी। नंबर 45, सिर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो तो दही में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर सिर पर लगाकर थोड़ी देर बाद धो ले, इससे सिर की खुश्की खत्म हो जाती है। नंबर 46, रोजाना नहाने वाला व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। नंबर 47, जो इंसान पेट के बल सोता है उसे हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।